भाई देखो इतनी बड़ी टुई हो के भी हमें जो है रूप मिल गई है। इतनी बड़ी इश्क के साथ जब बंदा गुनाहगार उसे 2 दिन में मिल जाता है तो सोचो। पापा इस तरह के कमेंट कर रहे हैं यार। हाँ मियाँ फैसल का कमेंट आया भाई। सर वो नहीं हो सकती। ओ मियाँ फैसल का कमेंट आया। हाँ सर चलो ठीक है पापा तो बड़े देखा ना 5 टाइम के नमाज में अच्छे बंदे हैं अपनी बेटियों की तरबियत करने वाले वो तो नहीं हो सकते। नहीं नहीं ये कोई और है छपो है और नुकसान हो तो डगबन क्यों ने वीडियो बनाया जिसमें सारे चपलों को मजस्मा खोल के उन्होंने उस वीडियो में रख दिया। हमारे साथ आफिर भाई बैठे हैं से भूल लेते हैं कि जो मतलब वीडियो में किसी औरत को दिखाना चाहे वो बीवी हो बहन हो हराम है ना। बिल्कुल हाँ सुन लिया हराम है जी बिल्कुल और उठ जा हराम है बिल्कुल हराम है। हाँ तो यार इससे जो पैसा को उनको मिलता है वो भी हराम है ना। हाँ सुन लिया अब आपको पता चल गया होगा कि मैं ये बाद में नहीं कहता कहते हैं तो यार मैंने पुराने वीडियो बनाई है जिसमें उसने सिस्ट्रोलॉजी पापा को कह के उसके पापा ने मुझे रोज कर दिया तो यार आपको रोज कौन करेगा। आपने ठीक है मेहनत की है अल्लाह ताला मेहनत का फल जरूर देता है ऐसे ही है लेकिन यार जब बंदा मेहनत किसी गलत जगह करे जो जिसमें अल्लाह चाहते ही ना हो लेकिन अल्लाह फिर भी उसे कामयाब कर दे तो अभी हाफिज साहब सुन रहे हैं मेरी बात। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो यार एक आयत थी इंसान को वो ही मिलता है जिसकी कोशिश करता है ऐसा है कि नहीं तो इसके अलावा इसको भी बोझ मिला है लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जाहिल औरत वो है जो अपने घरों से फजूल मतलब बिना किसी वजह के ना कोई मजबूरी हो वैसे ही अपने घरों से बाहर फिरती रहे उस औरत को अल्लाह ने जाहिल करार दिया ऐसे ही आप साहब काफ़ी तरह के बैठे बाल किया उन्होंने फजूल याद इनको अच्छा लगता है इनको नहीं पता भाई हम गलत है लेकिन हकीकत ये गलत है हकीकत में ये गलत है मतलब ना गलत वो सब इंसान होते हैं। किसी ने फरमाया था कि अगर जमीन में कोई इंसान गुनाह ना करे तो वो मुसलमान नहीं है ऐसे ही है यार गुनाह हर इंसान से होते हैं लेकिन ये कबीरा गुनाह है। देखो मतलब आपने मेहनत की है 6 साल मेहनत की है आपने 7 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर इकट्ठे किए हैं उसमें कितने यार बंदे आपके घर वालों को आपकी माँ बहन बीवी को देखते हैं तो मुझे बताओ ये काम की अच्छी बात है ऐसे तो हिंदू करते हैं जो बंदा जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं तो अभी बना रहा हूँ बच्चे बैठ के मतलब अच्छे तरीके से अच्छी बातें कर रहा हूँ अच्छी बात कर रहा हूँ। जो बंदा अपने घर में बैठ के अपने माँ बहन के साथ वीडियो बनाता है क्या वो आराम है ना क्या नहीं है वो बिल्कुल आराम है तो उन्हीं के बारे में आपको काम देना चाहिए देखेंगे नहीं तो सारी बात होती है यार इसी वजह से जो अच्छा क्रिएटर है ना जो अच्छी वीडियो बनाता है जैसे मैं हो गया कोई और हो गया वो यार फिर डिप्रेशन में जाता है भाई उसने अपनी बीवी दिखाई है उसके इतने व्यूज आए हैं और मैं इनको अच्छी बात तो तुम व्यूज आते नहीं है वो मजबूर हो गए कोई ना कोई गलत हरकत कर जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि यार आप ना कुछ सोचा सोच समझ के अपनी जिंदगी की चाल चलें। A few moments later. भाई यार एक नई गेम आई है इसका नाम क्या टिक 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 बड़ी गेम चल रही है सोशल मीडिया पे ये हमारे भी दो फ्रेंड ये देख रहे हैं ओए आप कोई तमाशा करो यार तुम करो वो कह रहा तुम कारीगर बन गए हो तुम्हारी माशाल्लाह से देख लग ओए करो यार नमाज का टाइम आज आया नहीं करो यार करो
हाँ, मैंने भी अभी टिकटॉक पे देख के आया हूँ। वो पंजाबी लड़का था, उसने स्पीड इतनी मारी है, इधर एक मिनट देना, पहले आराम से करते हैं, पहले आराम से करते हैं भाई। भाई हम यूट्यूबर बन गए, वीडियो बना लिया, आती है ये क्या होता है। ये मोटू सही कर लेता, मई मोटू आप फिर से करे। अब आपको चबा ये पकड़ जाएगा, ये काम One eternity later। तो कल यार बोला बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे देखा था कोई नई गेम आई है, उसे खेल रहे थे। ठीक है, वो देखो अभी अभी ये देखो कल टक टक से खेल रहे थे, आज संडे का दिन है तो आज सुबह के टाइम में जब शाम गुजर रहे थे, जब भाई साहब हमें तंग खा रहे थे, अभी भी तंग खा रहे हैं, लेकिन अब चले गए हैं, अब चले आगे चलो आप आगे चले। ठीक है, मौसम आज अच्छा है, लेकिन सवाला तो हबस तो है काफी सारी, तो उधर लोकेशन पे पहुंचते हैं, उधर हमने एक नई वीडियो शूट करनी है, तो अभी फिर आपको उससे टाइम मिलूंगा। हमारी मस्जिद में ना अनार लगे होंगे, आज अनार उतर। One eternity later। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज अदा कर लिया हूँ। ठीक है, हम बाहर बैठे थे, अभी बाहर से इधर आए, वो वहाँ पे कुरान पाक पर है, मैं पढ़ता हूँ तरीमा के साथ। और ये देखे हमारी मस्जिद का व्यू, ये देख इधर अनार, मैंने आपको पहले भी कहा था भैया अनार इधर से लेंगे, यहाँ पे अनार लगोगे। अभी बंदे जाते हैं तो हम एक अनार तोड़ते हैं, अभी आ गए मस्जिद के अंदर, वो टाइम देख रहे हैं आप। तो इस्लाम पर ईमान लाए थे ना कहने पर, उनका था कि अल्लाह अल्लाह ताला से कहेंगे हमारे लिए दस्तरखान, चाहे सूरत मौईदा का माइन दस्तरखान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं सूरत नाम। तमाम तारीफें अल्लाह की लाई जाए जिसने आसमानों पर ज़मीन को पैदा किया और तारीफों और नूर को बनाया, फिर भी काफ़ी लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसे है जैसे न तुम को मिट्टी से बनाया, फिर एक बात मेहनत की और दूसरी मेहनत बात खास होता है, ठीक है नज़दीक है, फिर भी तुम शक रखते हो, और वो ही महबूद बरहक आसमानों में भी और ज़मीनों में भी, वो तुम्हारे पोशीदा अहबाल होबाल। तो भाई वो देखें बाहर दो बंदे बैठे हैं, वो जाते हैं तो हम अनार खाते हैं, इधर ताकि हम मैं पढ़ दूँ फिर आप। तो ये ना ये बैठा, ये देखो यार टके भाई, ये देखो ये मोमिन बंदा है, ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, तो आप औरतों का फेस दिखा रहे हो, शर्म करो। अच्छा ये क्या छत पे गए हो, छत पे गए हो, छत पे गया था ना ये लड़का, वहाँ से मिला है, नीचे गिरा है, कैच कैच करा लिया, ये से ऐसा लगता है मेरी तरह। तुम इंसान हो, इंसान इंसान होते हैं, तुम कैमरा के सामने समझदार बन जाते हो, वैसे तुम बुद्धू हो। गाइस अब बारी आ गई अनार उतारने की। ठीक है, वो वहां पे मैंने एक अपना जवान भेज दिया, अदरक हद अनार उतार है, तो मैं थोड़ा करीब जाता हूँ। और जे ना कोई बंदा फोत हो ना अगले दिन, उसका सुबह फजर टाइम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ये वो दान है, ये अनार का दरख्त है, वो उतार है अनार मोटा मोटा यार इसकी दो तो डूब रहे हैं, मुझे भी देख जाओगे, वो देख रहा है भाई ये क्या चबले बाहर यार, इधर अनार पैसे ज्यादा से लगे हुए थे, लेकिन आप उठाए और ये एक अनार आ गया, ये एक अनार आ गया, उम्मीद छोटा जा यार।